क्यों? तो सहाबा की बातें तो चार यार कॉन्फ्रेंस में ही बताई जाती है। वो दमिश्क फतह करने वाला जो है ना, दो बंदे बताए ना मैं आपको, उनमें भी एक कौन है? उन दस जनतियों में से एक है। दस जनतियों वाली हदीस आपको मुताले में है ना? तो यहाँ तो हमें तो ऐसे लोग फसादी गले पड़ गए हैं, वो कहते हैं जी चार यार कहने से बाकी सारे निकल जाते हैं। तो मैंने कहा दस जनती कहने से बाकी सारे माजला दुखी हो जाते हैं। इन बेवकूफों से कोई पूछे कि ये किस किस्म के मफहूम तुम निकालते रहते हो, बात समझ आई? और वो दस ऐसी जनती नहीं कह दिए, उन दस जनतियों के अंदर देखो करंट देखो, दस जनती यू नहीं कि बस मेडल मिल गया है क्या छुट्टी, अब नमाज भी नहीं पढ़ो। क्यों? बजन तो दूर दे रही, अब नमाज किस लिए पढ़े? नहीं दे दी ना, तो उन्होंने इम्तिहान में भी साबित कर दिया जो हमें दी ना सरकार ने तो सच्ची दी है, जनते दी है, हम उसके हकदार हैं। क्यों? ये शाम फातिह शाम जो है, एक बंदा दो में से एक, एक को तो अल्लाह की तलवार कहा ना आपने ग़ज़वा मूता में, लश्कर बचा के ले आए, उनका भी तारुफ है ना आपको, खालिद सैफुल्ला, खालिद बिन वलीद, लश्कर बचा के ले आए जिसमें त्रय जनरल पहले मारे गए थे ग़ज़वा मूता में। और ग़ज़वा मूता कहां हुआ? डेड सी के किनारे, जहां आज उर्दन है वहां हुआ है। और ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, उसका पूरा हाल हुजूर ने मदीना शरीफ से बयान किया। अच्छा, अबू उबैदा बिन जर्राह उन दस जंतियों में से हैं जो शाम के फाते हैं, और काम किनका? जनरल कौन? फारूक आजम। और रब ने क्या कहा? फतह करेंगे तेरे लिए, तू आदम तेरे लिए। अब अगर जरा उम्र में और हजूर में फर्क हो, फर्क हो, ये दोस्त से बन जाए, और अभी जिसकी पिटाई इन सब ने की ना उनकी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत हो चुकी। अब मैं दूसरों से बात करता हूं जो टीवियों पर बैठकर कहते हैं कि दोस्त से बन गए, मार के बन गए, गलत मशवरे से बन गए। मैंने कहा बन गए होंगे, फर्ज किया, फर्ज किया बन गए, तो अल्लाह को मदद नहीं करनी चाहिए थी ना? क्यों? कि धौंस से बने हुओं को खुदा मदद करता है? भाई धौंस से बने हुओं की खुदा मदद करता है? जो जेल साजी से बने वो खुदा उनकी मदद करता है? चार चैनलों पर बैठकर कहते हैं जी को गलत मुशावरत सकीफे की साजिश से वो बने। मैंने कहा बन गए, फर्ज किया, अल्लाह को भी माजल्ला धोखा दे लिया उन्होंने, अब बंदों को तो दे लिया, अल्लाह को भी दे लिया। तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लजीन आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद। सुभान अल्लाह, हमारी मदद, अल्लाह फरमाता है मेरी मदद, मैं सिर्फ मदद करता हूं अपने रसूलों की। वल्लजीन आमनू, और जो उसके सच्चे मोमिन हो उनकी करता हूं, फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया में भी, व यौम यकूमुल अशहाद, और क्यामत के दिन भी इज्जत उन्हीं की करूंगा। किन की? अल्लाह फरमाता है मेरी मदद क्यामत के दिन भी आएगी रसूल को और रसूल के सच्चे मोमिनों को। बात समझ आई आपको? शाम फतह हुआ कि नहीं? बोलो भाई, बोलो ना। तो क्यों हुआ? दौस दांदरी वाले की तो मदद होनी नहीं चाहिए थी। जी खलीफा कौन होता है? कि जिसकी तार भी जुड़ी हुई हो। क्यों? इसलिए कि हुजूर की पसंद से भी वो खलीफा बने, रब की पसंद अगर ना हो, अगर ना हो, ये कह नहीं सकता मैं। क्यों? हुजूर तो वही करते हैं जो रब को पसंद है, लेकिन जरूरत पड़ती है यहां के हालात के मुताबिक जो इतराज उठते हैं, दफा दखल मुकद्दर करते हुए ऐसी बात कर रहा हूं। कहते हैं जी
दबाव में कर दिया था फैसला उन्होंने, वो निकालना चाहते थे। एक बुजुर्ग जी मेरे बैठा हुआ था, टीवी पर कह रहा था हुजूर तो उसामा के लश्कर में सबको कहते थे निकल जाओ ताकि बाद में मैं अली को खलीफा बना सकूं। आपने सुना मंसूर साहब, ये बड़ी काबिले गौर बात है। वो तो कहते थे जाओ जाओ अभी निकल जाओ उसामा के लश्कर, तो निकले ही नहीं जनाब, तो वो फैसले ही नहीं हो सका। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फर्ज किया इस तरह ही हुआ। तो यो अब बन गए, तो इनको तो दलील करना चाहिए था कुदरत को, जो वादे हुजूर से किए थे इनके हाथों में तो पूरे नहीं होने चाहिए थे। कुदरत साबित करती है कि ये हमारी मर्जी मेरे रसूल की मर्जी के बगैर बन गए हैं। और आप कहेंगे जनाब ये तो ये क्या बात हुई, ये कोई बात है क्यों? तो फ्रेडरिक को भी पता होती रहती है, सवाल आ जाता है। फर्नांडिस को भी होती रहती है, तो आप अपनी फतह पर क्यों इतना इतरा रहे हो? मैंने कहा हाँ होती है, फर्नांडिस को भी होती है और फ्रेडरिक को भी हुई है, मगर फर्क यह है कि कोई जर्नल फ्रेडरिक या फर्नांडिस ये कह सकता है जो साद इब्ने अबी वकास ने रुस्तम के मुकाबले में आए, रुस्तम का नाम सुना है ना, ये रुस्तम के मुकाबले में साद इब्ने अबी वकास लड़ रहे हैं, ये भी दस जनतियों में से एक। लोग कहते हैं जी कैसे आपने बढ़ा दिया, मैंने कहा पढ़ो ना कादसिया की जंग का हाल पढ़ो आपको समझ आ जाए। क्यों हुजूर ने जनती पहले बना दिए? फरमाया इनको अभी आजमाइश में उतरना है और मैं बनाया जा रहा हूं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह कादसिया में लड़ते हुए साद इब्ने अबी वकास को देख रही हुजूर देख रहे। अच्छा अब फ्रेडरिक वाली मैं आपको फर्क बताऊं, फ्रेडरिक का और इनका फतह का फर्क ये है कि उसके पास चूंकि असला है, बंदे हैं, दुनिया के जोर पर वो जा रहा है, ठीक है। साद इब्ने अबी वकास के पास बंदे जरूर हैं, मगर दरियाए दिजला को क्रॉस किया, तबकात इब्ने साद उठा के देखें, दरियाए दिजला क्रॉस कर गए बगैर पुल के। साहबा ने कहा के सरकार ने फरमाया जी के अगर आप ऊंट को भी छोड़ो उसका घुटना बांध के छोड़ो, ठीक है ना भाई, तवक्कल बर तवक्कल बार जानवे उष्टर बबन। तवक्कल के ये नहीं है जी कि ऐसी दरिया में ठिल जाओ। फरमाया बात ये है कि रुस्तम इस वक्त जिस जाविया पे अपनी फौज लिए खड़ा है था वो हाथी पे, हजरत साद ऊंची जगह से टीकरी से देख रहे थे। फरमाया मुझे रसूलुल्लाह ने जो तरीका बताया अटैक का, फ्रंटल अटैक का, आगे बढ़ के इस वक्त पूरे जाविये पर रुस्तम आया है। साहबा अगर पुल के बराबर भी तुमने टाइम ले लिया तो फिर मैं जामिन नहीं हूं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मुझे हुजूर ने वार की सिखाई है उसके मुताबिक इस वक्त वो निशाने पर है, इस वक्त निशाने पर है और मैं पुल बनाने का टाइम नहीं तुम्हें दे सकता। अल्लाह का नाम लो और उतर जाओ रसूल के नाम पर दरिया के। इसी वक्त उतरो, टाइम नहीं हमारे पास। साहबा की फौज और ताबेईन की फौज उसी वक्त उतर गई, दिजला से पार हो गई। अलसाद इब्ने अबी वकास का मैं अब फ्रेडरिक वाला फर्क बताता हूं आपको। यहीं खड़े हो गए, आपने फरमाया साहबा तुमने जरा सा सोचा था, अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारी असल कुव्वत क्या है। बताओ किसी की कोई चीज दरिया ने ले तो नहीं ली? सब साहबा किराम ने अपने अपने सवारियां भी देखी, सामान देखा, एक साहबी बोले हाथ खड़ा किया मेरा प्याला रह गया, मेरा प्याला रह गया। ये है फ्रेंडस का फर्क और साद इब्ने अबी वकास का फर्क। फरमाया दरिया दिजला तू जिसके हुक्म से चल रहा है, अगर हम उसके हुक्म से ही आ रहे हैं तो पहचान इस लश्कर को, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का लश्कर, इनमें बदरीन मौजूद है। दिजला तुझे फैसला करना है कि अगर हम वाकई खुदा के लिए निकले हैं तो मुजाहिद का प्याला वापस कर।
उसी वक्त दरिया में भंवर आया और प्याला उठा के पानी ने किनारे पर फेंका। ये है फ्रेडरिक का फर्क और सादिक ने भी वकास का फर्क। इस तरह ताईने इलाही क्रामते नहीं हो पाती उनसे, उनके असबाब ज्यादा होंगे। क्यों? बम मार दिया, हिरोशिमा पर मार दिया, नागासाकी पर मार दिया, अब गए जी किस तरह जापान पर उन्होंने चढ़ गए। उनका जी बम मारा है तुम चढ़ गए ना, एटम बम मार दिया, लाख बंदा मार दिया हिरोशिमा में जाके 1945 में दूसरी जंग अजीम में। अब कोई कहे जी देखो जी उन्होंने खुदा की वजह से फतह पा ली है, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानु की तकदीर ये है जरूर, ये नहीं हो सकता कि वो तकदीर के बगैर कुछ कर जाएं। मगर इसमें असबाब की जंग है। देखा आपने कि एक आदमी एटम बम गिरा रहा है और एक लख बंदा एक लुकमा अजल हो गया, अब अगली कौम जो है वो सरेंडर कर रही है, तो आपको इसकी वजह समझ नहीं आती कि उसकी वजह क्या है। लेकिन ये वजह भी तो समझो ना कि ये एटम बम वाली कुव्वत नहीं। हजरत फारूक आजम मस्जिद नबी शरीफ में घूम रहे हैं, इस तरह चल फिर रहे हैं, अल्लाह वगैरह है उसकी हिफाजत है फरमा रहे हैं। अचानक महसूस करते हैं कि जलजला है जमीन पर। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब ज़ियारतुल ख़फ़ा में नकल कर रहे हैं, हदीस पाक नकल कर रहे हैं, फरमाते हैं एक दफा झटका आया हजरत फारूक आजम ने महसूस किया, फिर भी झटका आया, तीसरा झटका आया तो हजरत फारूक आजम मस्जिद से निकल गए। मस्जिद से निकल के फौरन आपने कोड़ा बरसाया, जमीन पर मारा कोड़ा जोर से। कहते ना उमर कोड़े वाला था, कोड़े वाला था, लेकिन कोड़े के साथ ताईदे इलाही भी थी। शाहबलीउल्लाह लिखते हैं अगर तुमर ने कोड़ा मारा जमीन पर, गुस्से से कहा थम गया, हे जमीन अगर खुदा के हुक्म के मुताबिक उमर हुकूमत नहीं करता तो फट जा इसी वक्त और अकेले उमर को खा जा, अकेले उमर को खा जा। और अगर उमर हुकूमत कर रहा है खुदा के हुक्मों के मुताबिक तो फिर तू भी खुदा की मखलूक है, तुम्हें भी हुक्म देता हूं कि अब खा अपना नहीं।